नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ये आवाज़ सुने आपको काफ़ी महीनों बीत गए। लगातार सोशल मीडिया से गायब रहने के कुछ कारण थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को मेरी बातें तीर की तरह चुभती थी, जिसकी वजह से उन्होंने माननीय अदालत का शरण लिया। वहां से एक आदेश ले आए जिस पर मुझे वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। महीना था अक्टूबर साल 2023 का। मैं भी उच्चतम न्यायालय गया, वहाँ से इस आदेश को चैलेंज करते हुए मैंने भी अपने अधिकारों की बात रखी। इस देश में अपनी बात रखना अगर गुनाह है तो सारे YouTube चैनल्स पे जो तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर जनता तक सच्चाई और हकीकत पहुंचाते हैं, ऐसे तमाम YouTube चैनलों को बंद करने का निर्देश के लिए मैंने माननीय अदालत से निवेदन किया। अगर मेरी बात रखना गलत है तो सभी की बात रखना गलत ही है, लेकिन अदालत ने इसे समझा। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन समझते हुए माननीय न्यायालय ने मुझे ये अधिकार वापस दिए। महीना था मार्च 2024, 20 तारीख को। ये अधिकार मिलने के बाद आज मैं अपनी वीडियो फिर से बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। माह रमज़ान चल रहा है और आज से लगातार रोज़ ही लगभग एक वीडियो मेरी तरफ से आपको आती दिखेगी। रमज़ान के महीने में मैं लगातार मुंबई में रहता हूँ। मेरे तमाम जो आसपास के जो सड़कों पर जो मेरे मुसलमान भाई हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो सही में ज़रूरतमंद है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता या पहुँचने की इच्छा शक्ति नहीं रखता, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। लगभग हर रमज़ान में मैं इनकी खिदमत करता हूँ, सेवा करता हूँ। मैं लगातार जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से सड़कों पर हूँ, लोगों के पास जाकर उनको मदद कर रहा हूँ। बस फ़र्क इस बार ये है कि मैं उनकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो मुझे खुद को ये गिल्टी फील हुआ था कि बेचारे पहले से ज़रूरतमंद हैं, ऊपर से उनका वीडियो शूट कर जनता को दिखाना, उनके चेहरे, उनके पारिवारिक स्थिति की, उनकी ज़मीनी हकीकत को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये गिल्टी होता है कि उस इंसान को क्या लगता होगा कि जब मैं उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर डालता हूँ। मैंने इस बार सोचा है कि इस तरह की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। लगातार मैं जो भी मदद है वो अंदरूनी तौर पर आँख बंद कर मुट्ठी बंद कर करना चाहता हूँ। एक दिल को सुकून मिलता है। जब मैं मदद कर रहा था तो बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आई। ये वीडियोस थी फलिस्तीन की। फलिस्तीन में क्या हालात हैं ये पूरा विश्व जानता है, किस तरह से इसराइल और तमाम युद्धों के बीच में किस कारणों से हुआ, क्यों किया जा रहा है, कौन जीता कौन हारा, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ देखने की बात है कि अगर कुछ हो रहा है या कोई चीज़ मर रही है इसराइल के फलिस्तीन के ऊपर दावे के बाद, तो वो है इंसानियत। हज़ारों की संख्या में छोटे बच्चों का कत्ल किया गया, मिसाइलों के वार से, गोलियों की बौछार से वहाँ पे हज़ारों लोगों के कत्लेआम किए गए। पूरे विश्व में इसको लेकर नाराज़गी है, सड़कों पे लोग उतर के अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि इस देश के, इस विश्व के अंदर करीबन 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री इसराइल के खिलाफ खुले तौर पर नहीं आ रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, सुबह सहरी हो रही है, शाम को इफ्तारी हो रही है, शानदार पार्टियां बनाई जा रही है। मैंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि अपने सहरी और इफ्तारी के समय जो खान पान या फिर आपके जो आलिशान इफ्तारी है या फिर सहरी है, उसको लोगों को दिखाने के लिए मत करिए, उसे बंद मुट्ठी में। ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, ऊपर वाले ने आपको ये दिया है, गिफ्ट दिया है, आपकी मेहनत का फल है, उसे आप अपने परिवार के बीच में साझा करिए, अपने परिवार के साथ इफ्तारी करिए, अपने आसपास के लोगों के साथ सहरी करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप उसे डालते हैं, उसको देखने के बाद मैं जब फलिस्तीन के बच्चों के हालात देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि आखिर वो कैसे इंसान हैं जो सुकून से दो वक्त का निवाला खा ले रहे हैं। ठीक उनके बगल में एक ऐसा देश भी है जहां हज़ारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे अनाज के एक दाने के लिए भी तरस रहे हैं। जब से ये वीडियोस मेरे पास आई है मैं लगातार व्याकुल हो चुका हूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन लोगों तक वो मदद पहुंचा सकूं। राजनीतिक मतभेद, लोकसभा के चुनाव, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी का चंदा बंद हो जाना, अकाउंट सीज कर देना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सब होता रहेगा, चुनाव चलेंगे, बहुत सारे दावे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इन सब के बीच में क्या हमें ख्याल है कि इंसानियत तर तर करके मर रही है फलिस्तीन के अंदर? युद्ध के हालात है, क्या होगा किसे नहीं पता। इसराइल ने इस तरह से बाड़बंदी की हुई है कि हम कोई मदद भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब फलिस्तीन के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए जब मैंने अपने सहयोगी से बात किया, कुछ IAS IPS लोगों से बात किया,
तो उन्होंने कहा कि विनय भाई, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, बकरा, इस तरह की तमाम जो एनजीओ संस्थाएं हैं जो विश्व पटल पर काम करती है, रिफ्यूजीज के लिए काम करती हैं, उनके थ्रू आप मदद भेज सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर मदद नहीं भेज सकते हैं। युद्ध के हालात हैं, लोग मर रहे हैं, तो उन लाशों को नोचने के लिए भी लोग तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखे जहां पर लोगों ने अपने अकाउंट नंबर्स, पेपल नंबर्स, बैंक ट्रांसफर दिए हुए थे फलिस्तीन के नाम पर। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि भाई मैं पैसे देना चाह रहा हूँ, मैं डोनेशन करना चाह रहा हूँ, कैसे आप ये निवाला उन फलिस्तीन के बच्चों तक पहुँचाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे हमारे लोग हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई वीडियोज़ नहीं है, क्योंकि इसराइल के अंदर फलिस्तीन की ज़मीन पर जो हालात हैं वहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वहाँ पर मोबाइल के कनेक्शन है, ना वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। कुछ रिफ्यूजी कैंप्स हैं जहाँ पर एनजीओस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, वहाँ पर लोगों को निवाला दिया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा एरिया है। बहुत सारे लोग अभी भी अनट्रैप्ड हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, और बाहर नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को हमें टैप करना था। मैं लगातार बहुत सारे जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन सभी के यही हालात थे कि हम मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे फलिस्तीन को सीज किया गया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, इसराइल ये चाहता है कि फलिस्तीन के जो लोग हैं वो भूखे प्यासे मर जाएं, और जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो यूनाइटेड नेशन और इस तरह की बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फलिस्तीन की ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार यूनाइटेड नेशन के लोगों से कनेक्टेड में हूँ, उनके मुंबई, क्षमा चाहूँगा, इनके दिल्ली स्थित ऑफिस के कार्यालय से मैं लगातार संपर्क में हूँ, वहाँ के दो अधिकारी हैं, उनसे मैं बात करके फलिस्तीन के लोगों तक कैसे मदद पहुँचाई जाए उसकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में एक उम्मीद की किरण मुझे जागी। एंडरसन नाम के यूनाइटेड नेशन के एक व्यक्ति हैं जो लगातार इस तरह के रिफ्यूजी कैंप में काम करते हैं। एंडरसन ने मुझे बताया कि विनय, अगर आप इसमें मदद करना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप जो भी आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं या कुछ आप देना चाहते हैं तो सीधे आप यूनाइटेड नेशन को दे सकते हैं, वहाँ से ये मदद फलिस्तीन को भेज दी जाएगी। लेकिन क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो बहुत आसानी होती है इस तरह की मदद को वहाँ पहुँचाना। लाखों लोग हैं जिनको इस समय बहुत अत्यंत आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर देखा जाए तो जो महिलाएँ हैं उनको हाइजीन पैड्स की ज़रूरत है, जो पीरियड्स में पैड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर उसकी इशूज़ है, सैनिटरी पैड्स के नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो गंदे कपड़ों के साथ अपने पीरियड्स को वहाँ पर दिखा रही है। एक तो पॉपुलेशन इतनी क्राउडेड है, छोटे से इलाके में बहुत बड़ी जनसंख्या को वहाँ पे पहुँच जा पुश किया गया है इसराइल सैनिकों द्वारा, तो वो बहुत मुसीबत में है। मेडिकल की कंडीशन है, छोटे बच्चों को बेसिक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, गंदे पानी है, उसे स्वच्छ करने के लिए जो टैबलेट्स हो गए, मेडिकल्स हो गई, बहुत सारे लोग बीमार हैं जिनका इलाज हो रहा है, अस्पतालों में नए नए बच्चे, नवजात बच्चे पैदा हुए हैं उनकी देखभाल के लिए भी कमज़ोर मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही। इन सब चीज़ों को लेके काम करना है। सिर्फ निवाला एक प्रॉब्लम नहीं है, उनको ज़िंदा रखना, इंसानियत को ज़िंदा रखना एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम कोशिश कर रहे थे और इसी के बीच में एंडरसन ने जिस तरह से हमें गाइड किया, जिस तरह से हमें बताया, उसको देखते हुए लास्ट 3 दिनों से मैं रोज़ करीबन $500 से $1,000 व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी क्षमता है मैं भेज रहा हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पर ये मदद उन तक पहुँच रही है। अगर आप भी मदद करना चाहें तो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने एक टीम बनाई है जो इस तरह से फलिस्तीन के अंदर, ख़ासतौर पर माहे रमज़ान के अंदर जो कि इबादत का महीना है, पूरे महीने सारे देश के, पूरे विश्व के इस्लामिक पसंद लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इफ्तारी करते हैं, उन तमाम लोगों को एक निवेदन है कि अगर आप सही में फलिस्तीन जैसे डिस्टर्ब एरिया में जहाँ पर आज ज़रूरत है इंसानियत की, वहाँ पर लोगों को मदद करने की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप भी मेरे इस मुहिम में जुड़िए। मैंने एक प्रॉपर टीम बनाई है इसको लेकर, यूनाइटेड नेशंस के साथ हम मिलने वाले हैं। मैं खुद दिल्ली जाकर इस टीम के साथ बैठकर पूरी डायग्राम ड्राफ्ट करने वाला हूं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुंचा सकते हैं, निवाला पहुंचा सकते हैं, मेडिकल एड पहुंचा सकते हैं, जो महिलाएं पीरियड्स में हैं उनको कैसे हाइजीन सैनिटरी पैड्स दे सकते हैं, मेडिकल टैबलेट्स दे सकते हैं, पानी स्वच्छ करने के लिए या पानी की व्यवस्था कैसे करा सकते हैं, इस चीज़ों पर मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से काम कर रहा हूँ। एक मैंने हेल्पलाइन नंबर बनाई है, व्हाट्सअप नंबर है, अगर इस पर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नंबर है 9820-898-898।
ये नंबर मेरी टीम हैंडल करती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नंबर पर उपलब्ध नहीं हूँ, तो कृपया अपना जो भी फलस्तीन संबंधित मामले हैं आप इस पर भेज सकते हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति हालात ख़राब है, परिवार को आर्थिक तौर पर ज़रूरत है, तो भी आप अपना मदद की एक मैसेज उस व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक भी आर्थिक मदद पहुँचाई जाए, या रमज़ान के महीने में हो सकता है इफ्तारी या राशन के लिए कुछ आर्थिक मदद हम आपको भेज सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, हमारे पास सोर्सेस कम है। जितना मेरी साल भर की आमदनी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा मैं हर साल रमज़ान के महीने में सड़कों पर उतर कर बांटता हूँ, उसी के क्रम में ये उपक्रम मैं चला रहा हूँ। अगर आपको लगता है फलस्तीन के अंदर भी आपको वहाँ पर जो भूखे बच्चे हैं, जो महिलाएँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो युवा हैं, उनको मदद करना चाहे तो आप मेरे माध्यम के थ्रू भी कर सकते हैं। सीधे आप यूनाइटेड नेशन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप मेरे माध्यम से भी करना चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। आप एक छोटी सी सहायता राशि अपनी तरफ से इस रमज़ान के पाक महीने में अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए भेज सकते हैं। ये मदद अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या यूपीआई नंबर 9820898898@UPI इस नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर आप ये QR कोड जो देख रहे हैं इसको स्कैन कर पर भी आप ये आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इस समय फलस्तीन जो है वो रो रहा है अपने हालातों के ऊपर। लड़ाई दो देशों की है, दो विचारिक लड़ाइयों के बीच में पिस जो रहा है वहाँ पर बेचारी मासूम औरतें, छोटे छोटे बच्चे जिनके बचपन और इंसानियत को वहाँ पर छीना जा रहा है। ये हम सब का फ़र्ज़ है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू होने के नाते मैं ये दर्द समझ पा रहा हूँ। मैं तमाम देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस मुहिम में फ़लस्तीन के उस मजबूर बेसहारा लोगों को अगर मदद करना चाहते हैं, एक निवाला देना चाहते हैं, तो इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि मेरे ही धर्म में नहीं लगभग हर धर्म में यही बताया गया है कि इंसानियत सबसे बड़ा है। अगर आप इंसानियत के लिए नहीं खड़े हो सकते तो शायद आपका ये जो मानवतन है वो बेकार है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा अधिक से अधिक छोटे छोटे बच्चों तक वो भूखे पेटों में निवाला डालने का। मैं कोशिश करूँगा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको मेडिकल सुविधाएं, सैनिटरी पैड्स और उनकी होने वाली तकलीफ़ों से निजात दिलाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा वहाँ के बुज़ुर्गों के घाव पर मरहम लगाने के लिए। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। अगर आपका साथ मिलेगा तो शायद हम बेहतर तरीके से और अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।